राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा आसोपा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए मजेंडा पिंक कलर में नेकलेस। इसको आप येलो या ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाकर उसके कंट्रास्ट में पहनाइए, बहुत ही डिफरेंट और सुंदर लगेगा। इस तरह के और भी बहुत नेकलेसेस की डिज़ाइन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। ये देखिए, बुकरम पर मैंने पहले यहाँ पर राउंड शेप में ये पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद फैब्रिक ग्लू लगाकर ये जो स्टोन चेन आता है वो वाला लगाया है। फिर से मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। यहाँ पर एक लाइन ग्लू लगाने के बाद हम फिर से इसके ऊपर ये जो स्टोन चेन वाली जो लाइन है यही लगा लेंगे। इस तरह से ये मैंने इसकी टू लाइन बना ली है। अब इसके बाद में ये पिंक कलर का जो स्टार के जैसे बना हुआ है, ये आपको राखी मेकिंग वाले जो स्टोर होता है उस पर अवेलेबल हो मिल जाएगा। ये मैंने, मेरे पास राखी थी जो नई पड़ी थी, यूज़ नहीं की हुई थी, उसी का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद ये मैं स्टोन लेके आई थी। ये देखिए, ये नीचे से थोड़ा सा नुकीला टाइप का होता है, वो वाला स्टोन यूज करना है। ये देखिए, मैंने राखी से ही निकाला है। आपके पास भी अगर कोई नई राखी हो तो वो वाला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये वन बाय वन करके जो मजेंडा पिंक कलर वाला जो स्टार है वो लगा रही हूँ मैं। इनको आप देखिए इस तरह से एडजस्ट करके लगाते जाइए। ये यहाँ पे नीचे फेविकोल है तो हो सकता है आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो क्लियर, ये सूखने के बाद बहुत ही अच्छा दिखेगा। इसके आप नीचे चाहें तो गोल्डन कलर भी कर सकते हैं, गोल्डन या येल्लो कलर। अब इसके बाद में यहाँ पर जो बीच में छेद होता है, होल होता है, उसमें हम ये जो स्टोन है नुकीला वाला वो वाला लगा लेंगे। इस तरह से हम सब में लगा लेंगे वन बाय वन करके। ये देखिए, ये मैंने स्टोन लगा दिया है सब पे। ये हाफ पार्ट है, ये इसका कंप्लीट हो गया है। अब इस साइड में मैं पहले से ही ग्लू लगा के रख लेती हूँ और स्टोन चेन के थ्री थ्री स्टोन का जो पीस है वो मैंने कट करके रख लिया है पहले ही काफ़ी सारे। अब इनको हम जो ऊपर वाले टू स्टोन हैं उनको हम चिपका देंगे और लास्ट वाला जो एक स्टोन होगा उसको हम एज ए लटकन के जैसे नीचे लटकता हुआ रखेंगे। उसी तरह से हमें ये पूरा चिपकाना है वन बाई वन करके। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने ग्लू सिर्फ दो स्टोन चिपके उतनी दूर में ही लगाया है। नीचे वाला एक स्टोन है वो मैं लटकन के लिए यूज़ कर रही हूँ तो उसको नहीं चिपका रही हूँ। इस तरह से आप ये वाला पूरा कंप्लीट कर लें। ये देखिए, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। सूखने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब ये देखिए, नीचे लटकन के जैसे लग रहा है ना, क्योंकि मैंने लास्ट वाला स्टोन था वो नहीं चिपकाया था। ये हमारा नेकलेस बनकर रेडी है। अब इस पे जो पीछे का डोरी है वो हमें बांधना है। उसके लिए मैंने हार्ड पेपर इससे थोड़ा छोटा साइज में कट करके रखा हुआ है पहले से ही। अब यहाँ पर मैं ये गोल्डन रेशमी डोरी आती है वो वाली चिपकाई है और बस जस्ट सिंपल सा हमें इसको ऐसे चिपका देना है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का नेकलेस बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हमें ये डोरी में, मैं पीछे आपको दिखाती हूँ कि लूज और टाइट करने के लिए जो एक मोती डला हुआ रहता है वो किस तरह से डालें। हम डायरेक्ट मोती डालेंगे तो वो नहीं डाल पाएंगे, इसलिए ये देखिए आप ये वाली ट्रिक यूज़ करके देखिए, बहुत ही इजीली मोती डल जाता है इसमें। ये देखिए, नेकलेस एकदम रेडी है अब हमारा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप दूसरा कौन से कलर में और कौन सी डिज़ाइन में अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।